कहलाए जाते हैं ये, शहंशाह कहलाए जाते हैं ये, कहीं ना कहीं समझ ही गए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन को लेकर। यकीनन ही सदी के महानायक हैं वो, शहंशाह हैं वो और बिग बी भी वही है। मगर आप देखेंगे कि भाई शहंशाह सदी के महानायक, स्पेशली ये वर्ड सुन के अमिताभ बच्चन को कितना दुख पहुंचता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं बिग बी को लेकर। बिग बी बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनके चाहने वाले एक नहीं बल्कि हजारों नाम से उन्हें पुकारते हैं। उनकी कामयाबी यही है कि वो सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। कहते हैं ना कि उस कामयाबी तक पहुंचना इतना आसान नहीं, मगर जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, वो कामयाबी जरूर हासिल करता है। और बिग बी की कहानी तो हम कई बार ही आपको बता चुके हैं, मगर आज आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि जब उन्हें सदी के आम महानायक कहलाया जाता है तो उन्हें कैसा फील होता है। देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। सदी के महानायक कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। दरअसल सदी का महानायक तो उन्हें हर कोई कहता है, मगर आज यानी कि एक इवेंट के दौरान पहली बार अमिताभ बच्चन ने बताया कि जब कोई उन्हें सदी का महानायक कहता है तब उन्हें कैसा लगता है। यकीनन ही आप यहां पर अमिताभ बच्चन के इन शब्दों को सुन के हैरान रह जाएंगे। जो मुकाम आज अमिताभ बच्चन हासिल कर चुके हैं उनसे आप सभी रूबरू हैं, और ऐसे मुकाम पे पहुंचने के बाद सदी का महानायक कहना कोई बड़ी बात नहीं। मगर अमिताभ बच्चन को ये नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, ये नाम सुनते ही उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अभी उन्होंने जीवन में तमाम उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। वाकई ही आप यहाँ पर अमिताभ बच्चन की इस स्पीच को सुन के हैरान रह जाएंगे, जहां पर इवेंट के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि कब उन्हें पहली बार सदी का महानायक कहा गया था। अब आप देखिए अमिताभ बच्चन की जुबानी किस तरह से अमिताभ यहां पर अपनी बातों को यानी कि अपने कई राजों से पर्दा हटा रहे हैं। क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी इस वीडियो में। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों, बहुत सारे तारीफ के पुल बांध दिए जितने भी लोग यहाँ आए और जिनके बातें हमने सुनने को मिली। मैं अपने आप को इसी योग्य नहीं समझता और कभी माना भी नहीं है। गोविंद जी का अचानक जब एक मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वजह हो सकती है। गोविंद जी का परिचय मेरे साथ एक फिल्म के सेट पर हुआ था, और जिस भूमिका को ये निभा रहे थे वो थोड़ी सी गलत थी, तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, शायद इसीलिए गोविंद जी मुझे बुला रहे हैं। और बहुत डर डर के मैं इनसे मिला, और मिलने के बाद पता चला कि एक महान कलाकार के साथ साथ इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर, देश के प्रति, अपने बुंदेलखंड के प्रति, लेखन के प्रति कितनी रुचि है, और जिन भावनाओं के साथ इन्होंने अपनी बातों को मेरे सामने रखा उन्हें मैं इनकार नहीं कर सका। और आज ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। इन चंद क्षणों में जितने भी वक्ता मुझसे पहले अपनी बातें रख कर गए हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्ञान की बात है। मैं नहीं समझता कि इतने छोटे समय में इतना सारा ज्ञान मैंने शायद पहले कभी प्राप्त नहीं किया। हाँ, बाबूजी के साथ बैठ करके कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज जितना भी हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का।
गोविंद जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आमतौर पर मुंबई में जब भी कभी इस तरह का एक कोई उत्सव होता है तो अंग्रेजी की पुस्तकों का काफी मोचन होता है, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कई बार मजाक में उनसे कहा कि एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विमोचन ऑफ बुक्स अमिताभ बच्चन आपके सामने हैं, लेकिन आज पहली बार एक हिंदी पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी, आप इसी तरह और भी लिखते रहें जैसे कि सतीश जी कह रहे थे। एक बात आपने कही थी अपने कि आप सदी के महानायक हैं, मैंने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया है और ना कभी विश्वास करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो महानायक का खिताब था ये बीबीसी द्वारा किया गया था उनके चैनल में, और उन्होंने एक प्रश्नावली छोड़ दी थी अपने चैनल में कि चलिए वोट कीजिए कंप्यूटर के द्वारा कि 100 वर्षों में सबसे जो प्रचलित अभिनेता है उनको आप नंबर दीजिए। उस कंप्यूटर की वजह से कुछ नंबर मेरी तरफ आ गए और मैं ऐसा मानता हूं गोविंद जी कि ये एक कंप्यूटर एरर है और इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही शर्मिंदा होता हूं जब भी इस तरह की व्याख्या होती है, तो इस बात को आप केवल मुझे एक अपना एक साधारण मित्र समझिए, एक साधारण कलाकार। महान आप सब लोग हैं जिनकी बातों से आज मैं इतना प्रभावित हुआ हूं कि अवश्य जाकर के आपकी इस पुस्तक को पढ़ूंगा, इस नाटक को पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आपसे मिलना चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने की। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि काम पे वापस जाना है और जैसा कि गोविंद जी ने कहा पंक्चुअलिटी की बात कर दी, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तहदिल से आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। गोविंद नामदेव साहब की किताब, ये जो एक प्ले है मधुकर शाह बुंदेलखंड के नायक, उस रूप में आज आप सभी के बीच में पहुँच रही है। नमस्कार, मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत परमादरणीय श्री अमिताभ बच्चन सर, मेरे बड़े भाई सदृश आदरणीय श्री रामगोपाल बजाज, मेरे बड़े भाई सदृश आदरणीय डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, मेरे खास दोस्त, मेरे नेशनल स्कूल ड्रामा के सहपाठी श्री सतीश कौशिक और यहाँ हॉल में मौजूद थिएटर, फिल्म, टीवी और कला क्षेत्र से जुड़े हुए सभी
ذہین فنکار میرے کلاکار بھائیوں اور بہنوں, میں ہردے سے آپ سب کا ابھینندن کرتا ہوں, آپ کو پرنام کرتا ہوں. میرے پاس شبد نہیں ہیں آپ کا دھنیواد کرنے کے لیے, آپ کا آبھار ویکت کرنے کے لیے. میرے لیے, میری اس کتاب کے لیے آپ کی یہاں آمد, آپ کی یہاں اپستھتی, اور وشیش روپ سے آدرنیہ امیتابھ بچن سر کی اپستھتی. سر, آپ کے آنے سے یہ کاریہ بہت بڑا بن گیا ہے, یادگار بن گیا ہے. میں تھوڑا ایموشنل سا ہو گیا ہوں. یہ مومنٹس میرے لیے وہ مومنٹس ہیں جو تا زندگی یادگار بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. میں آپ کو پرنام کرتا ہوں, آپ کے پرتی اپنی کرتجتا پرکٹ کرتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت آبھاری ہوں, آپ اس کاریہ کا حصہ بنے. آدرنیہ امیتابھ بچن سر کے وشے میں میرے من میں جو بھاو ہیں یقیناً آپ نے دیکھا. ایک ایونٹ میں پہنچے تھے امیتابھ بچن, اور انہوں نے بتایا کہ بھائی صدی کے مہانائک جب انہیں بی بی سی نے یہ نام دیا تھا, اور جب لوگ انہیں یہ کہتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ ابھی بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی وہ کامیابی, وہ اپلبدھی شاید ابھی باقی ہے. یہ واقعی ہی امیتابھ بچن کا بڑپن کہہ سکتے ہیں, جو اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ان نام کو سن کے اتنا خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا کہ انسان کامیابی تو حاصل کر لیتا ہے, مگر اس کامیابی کو سٹیبل رکھنے کے لیے اس میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. اگر یہ گھمنڈ آ گیا تو سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے. صدی کے مہانائک ہیں, اتنی عمر ہو چکی ہے اس انڈسٹری کو دے دیا ہے, مگر آج بھی جب کوئی صدی کے مہانائک کہتا ہے تب وہ تھوڑے نراش ہو جاتے ہیں. واقعی سلیوٹ ہے امیتابھ بچن کی سوچ کو اور ان کے ڈاؤن ٹو ارتھ اس ایٹیٹیوڈ کو. فی الحال آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی, مگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.